नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस लेक्चर में हमें सीखना है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड। दोस्तों ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड हम यहाँ से ले सकते हैं, जिसका शॉर्टकट है सी। डायरेक्ट सी टाइप करने से भी हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड ले सकते हैं। दोस्तों ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड यहाँ पे मैंने अभी एक क्लिक किया है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड में सबसे पहले हमें सीखना है फिक्स और पॉलीफिक्स सीखना है। अभी मैं कमांड को कैंसिल कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ, एक दूसरा लाइन यहाँ पर बना लेता हूँ और एक तीसरा लाइन में यहाँ पर बना लेता हूँ। फिक्स और फुल्ली फिक्स सीखने के लिए मैंने अभी यहाँ पर तीन लाइनें बनाई है। दोस्तों सबसे पहले जाते हैं हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड में। मैं दोस्तों ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं फिक्स कर रहा हूँ। यहाँ से फिक्स पहले यहाँ पे एक क्लिक करना है, इसके बाद इस लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो लाइन है वो फिक्स हो गई है। इसके बाद मैं यहाँ फुल्ली फिक्स पे क्लिक करता हूँ, फिर इस लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो लाइन है वो फुल्ली फिक्स हो गई है। ठीक है दोस्तों, और इस लाइन को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब कमांड में यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। दोस्तों इस लाइन को हमने फिक्स किया था, इस लाइन को फुल्ली फिक्स, और इस लाइन को हमने ऐसे ही रहने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लाइन है फिक्स फुल्ली फिक्स और बिना फिक्स की हुई लाइन, इसमें क्या फर्क है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर मैं क्लिक दबा के रखता हूँ, कर्सर ले जाके इस लाइन के ऊपर मैं क्लिक दबा के रखता हूँ और इसके बाद मैं कर्सर को इधर उधर ऊपर नीचे में घुमा रहा हूँ तो ये जो पूरा लाइन है वो माउस के साथ कर्सर के साथ मूव हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने फिक्स भी नहीं किया था इस लाइन को और फुल्ली फिक्स भी नहीं किया था, इसलिए ये मूव हो रहा है। मूव करने के लिए क्या है, कर्सर लाइन के ऊपर ले जाना है, इसके बाद हमें क्लिक दबा के रखना है, क्लिक दबा के रखना है और कर्सर को हिलाना है, माउस को हिलाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइन जो है वो मूव हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये फिक्स किया हुआ लाइन जो है, फिक्स किया हुआ, फुल्ली फिक्स नहीं, फुल्ली फिक्स ये लाइन को किया हमने। ठीक है ना, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो इस लाइन का जो एंगल है, उस लाइन उस एंगल में ही वो जो लाइन है वो मूव हो रही है, इधर उधर मूव नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, और फुल्ली फिक्स किया हुआ जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर मैं कर्सर ले जाके क्लिक दबा के माउस को हिला रहा हूँ, लेकिन लाइन जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं हो रही है। ठीक है, जो ऐसे ही जो लाइन है, ये लाइन सभी साइड मूव हो रही है। ठीक है ना, जो फिक्स किया हुआ लाइन है वो जिस डायरेक्शन में है, यानी कि जिस एंगल पे है, उसी एंगल पे मूव हो रही है, लेकिन इधर उधर मूव नहीं हो रही है। ठीक है, और फुल्ली फिक्स किया हुआ जो लाइन है वो किसी भी जगह पे मूव नहीं हो रही है। फिक्स और फुल्ली फिक्स में सिर्फ और सिर्फ इतना ही फर्क है। ठीक है दोस्तों, फुल्ली फिक्स किया हुआ लाइन जो है वो किसी भी जगह पे मूव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं और भी एग्जाम्पल। दोस्तों इस एग्जाम्पल में हमें ये जो लाइन है हमें यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम कमांड लेते हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्शन प्रोग्रेशन जो है यहाँ पर राइट हमें कर देना है। इसके बाद इस लाइन को सबसे पहले हम फिक्स कर देते हैं, यहाँ फिक्स के ऊपर एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें इस लाइन के ऊपर एक क्लिक कर देना है ताकि ये जो लाइन है वो फिक्स हो गई, वो अपनी जगह से मूव नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब इस लाइन को मुझे यहाँ पर जोड़ना है तो इसके लिए यहाँ पर कमांड है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट पे यहाँ पे एक क्लिक करना है हमें। क्लिक करने के बाद हमें इस लाइन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे जो हमने राइट किया ऑटोमेटिक सिलेक्शन प्रोग्रेशन में, राइट करने से क्या होता है, इस लाइन पे मैं जब क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो इसके बाद ये जो कर्सर यहाँ पर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर राइट नहीं है तो हमें ये लाइन पे क्लिक करने से पहले इस लाइन को भी क्लिक करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस लाइन को फिक्स कर दिया, इसके बाद कोइंसिडेंट कमांड यहाँ पर हमने क्लिक किया, इसके बाद इस लाइन के ऊपर एक क्लिक करना है, इसके बाद हमें इस लाइन पे यहाँ पर एक क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लाइन है वो यहाँ पर जुड़ जाता है। आगे भी देखते हैं हम एग्जाम्पल। दोस्तों इस एग्जाम्पल में हमें सीखना है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड में यहाँ पर है पॉइंट ऑन कर्व। पॉइंट ऑन कर्व, सबसे पहले तो इस लाइन को हम फिक्स कर देते हैं, फुली फिक्स कर देते तो भी चलेगा, फुली फिक्स यहाँ पे एक क्लिक करना है, इसके बाद लाइन के ऊपर एक क्लिक कर देना है, इसके बाद यहाँ पर हमें क्लिक करना है,
अब दोस्तों हमें इस लाइन के ऊपर एक क्लिक करना है। लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद पॉइंट ऑन करो, यानी क्या है, जैसे कि ये पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये जो लाइन है वो इस पॉइंट के पैरेलल यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस पॉइंट के ऊपर तो ये जो लाइन है वो इस पॉइंट के पैरेलल यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पर क्लिक करता हूँ मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट के पैरेलल लाइन आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं आपको कमांड समझाता हूँ। कंट्रोल जेड के साथ अंडू कर देता हूँ। जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड, पॉइंट ऑन कर्व सीखना है। ठीक है दोस्तों, हमें सबसे पहले तो इस लाइन को हम फुली फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे पहले क्लिक करना है, इसके बाद लाइन के ऊपर क्लिक, ताकि ये फुली फिक्स हो गया। इसके बाद हमें पॉइंट ऑन कर्व यहाँ पे एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमें ये लाइन जो है वो किसके पैरेलल चाहिए, इस पॉइंट के पैरेलल चाहिए या इस पॉइंट के पैरेलल चाहिए या फिर इस पॉइंट के। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो लाइन है वो यहाँ पे इस पॉइंट के पैरेलल ऐसे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस पॉइंट के पैरेलल ये लाइन जो है वो आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड में टेंजेंट। ठीक है दोस्तों, मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ। दो लाइन हमें ऐसे ही रखना है, मैंने एक सर्कल यहाँ पर बना लिया। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड में हम जाते हैं। सबसे पहले तो हमें लाइन या फिर सर्कल दोनों में से किसी एक को फिक्स कर देना है या फिर फुली फिक्स। हम इस सर्कल को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे एक क्लिक करना है फुली फिक्स में, और इसके बाद सर्कल के ऊपर क्लिक, यानी ये फुली फिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, अब टेंजेंट यहाँ पे एक क्लिक करना हमें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लाइन के ऊपर क्लिक करना है और सर्कल के ऊपर क्लिक करना है, तो ये जो लाइन है वो सर्कल के टेंजेंट पॉइंट पे आ जाएगा। इसके बाद मुझे ये लाइन भी इसके टेंजेंट पॉइंट पे टच करवाना है, तो लाइन के ऊपर क्लिक और सर्कल के ऊपर क्लिक। दूसरा भी हम एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक यहाँ पर लाइन बना लिया और यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट में हम फिर से जाते हैं, फुली फिक्स पे क्लिक, सर्कल के ऊपर क्लिक, यानी ये सर्कल फुली फिक्स हो गया। अब टेंजेंट के ऊपर एक क्लिक करना है हमें। क्लिक करने के बाद लाइन के ऊपर क्लिक और सर्कल के ऊपर क्लिक, तो ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट पॉइंट पे ये लाइन फिक्स हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम पैरेलल। ठीक है दोस्तों, जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड में पैरेलल सीखने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो लाइन बना ली है। अब कमांड लेते हैं जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड, दोनों में से किसी भी एक लाइन को हम फुली फिक्स कर देते हैं। फुली फिक्स पे क्लिक, इसके बाद इस लाइन को हम फुली फिक्स कर देते हैं। इसके बाद हमें पैरेलल पे क्लिक करना है। पैरेलल पे क्लिक करने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करना है, और इसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करना है, तो इस लाइन के पैरेलल जो है वो ये लाइन बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। कंट्रोल जेड के साथ मैंने अंडू कर दिया है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड, सबसे पहले अब इस लाइन को हम फुली फिक्स करते हैं। यहाँ पे क्लिक, फिर लाइन के ऊपर क्लिक, इसके बाद पैरेलल यहाँ पे एक क्लिक, फिर इस लाइन के ऊपर एक क्लिक और इस लाइन के ऊपर एक क्लिक, तो इस लाइन के पैरेलल ये लाइन हो जाएगा। फिर से हम सीखते हैं, अंडू कर देता हूँ मैं। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड, किसी भी एक लाइन को पहले फिक्स कर दो, जैसे कि फुली फिक्स पे यहाँ पे क्लिक करना हमें। इस लाइन को हम फिक्स कर देते हैं पहले। फिक्स करने के बाद पैरेलल पे क्लिक, अब इस लाइन के ऊपर एक क्लिक करना हमें, और इसके बाद इस लाइन के ऊपर एक क्लिक, तो इस लाइन के पैरेलल ये जो लाइन है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर कमांड समझने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये सभी लाइन बना के रखी है। कमांड लेते हैं हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड। परपेंडिकुलर जो है दोस्तों, एक लाइन के रेफरेंस में, एक लाइन के रेफरेंस में दूसरा लाइन हमें 90 के कोण पे, 90 के एंगल पे चाहिए, तो हम परपेंडिकुलर से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हम किसी भी इस दोनों लाइन में से किसी भी एक लाइन को फुली फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे एक क्लिक करना है, इसके बाद चलो मैं इस लाइन को क्लिक करता हूँ, यानी ये लाइन जो है फुली फिक्स हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर पे क्लिक करना है, इसके बाद इस लाइन पे क्लिक करना है और इस लाइन पे क्लिक करना है, तो ये लाइन से ये लाइन जो है वो 90 के कोण पे, यानी 90 के एंगल पे आ गया है। दूसरा भी एग्जांपल हमें यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले फुली फिक्स पे क्लिक,
इस लाइन को क्लिक करते हैं, यानी ये लाइन फुली फिक्स हो गया है। इसके बाद इस लाइन के रेफरेंस में मुझे ये लाइन जो है वो 90 के एंगल पे चाहिए, तो परपेंडिकुलर लेना हमें। इसके बाद इस लाइन पे क्लिक और इस लाइन पे क्लिक, तो इस लाइन के रेफरेंस में ये लाइन जो है वो 90 के एंगल पे आ गया है। यहाँ पर और भी हम एग्जांपल लेते हैं। फुली फिक्स, इसके ऊपर क्लिक, परपेंडिकुलर पे क्लिक, इस लाइन पे क्लिक और इस लाइन पे क्लिक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर कमांड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें सीखना है जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड में, यहाँ पर दिया हुआ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है दोस्तों, किसी भी लाइन को हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना है, तो इसके लिए यहाँ पर कमांड है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल। इस कमांड का उपयोग करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद किसी भी लाइन पे क्लिक करो तो वो जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जैसे मैं इस लाइन पे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, क्योंकि ये वर्टिकल है। अगर इसे हमें हॉरिजॉन्टल करना है तो ये जो सिंबल है कंस्ट्रेंट सिंबल वर्टिकल का, इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए हमें यहाँ पे एक क्लिक दबा के रखना है, यहाँ पे एक क्लिक दबा के रखना है और फिर इस तरफ आना है और यहाँ पे क्लिक छोड़ देना है। अभी ये जो कंस्ट्रेंट सिंबल है वर्टिकल का, ये सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद कीबोर्ड में से हमें इसको डिलीट कर देना है, डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर देना। अब ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल कमांड से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड, यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद इस लाइन पे क्लिक करते हैं तो ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है वर्टिकल, लेकिन वर्टिकल कमांड का उपयोग करने से पहले हमें ये सभी जो सिंबल है हॉरिजॉन्टल का, इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, तो ही ये जो सभी लाइन है वो वर्टिकल होगा। ठीक है दोस्तों, ये सभी सिंबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट का बटन दबा के मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इस सभी लाइन को हमें वर्टिकल करना है, तो जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड में जाना है, वर्टिकल पे यहाँ पे क्लिक करना है। जिस जो भी लाइन पे आप क्लिक करोगे वो सभी लाइन जो है वो वर्टिकल हो जाएगा। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कमांड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें सीखना है जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट में, यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और दूसरा है वर्टिकल अलाइनमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। दोस्तों ये लाइन को हम पहले फुली फिक्स कर देते हैं, फुली फिक्स पे यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद इस लाइन पे क्लिक कर देते हैं तो ये लाइन जो है वो फुली फिक्स हो गया है। अब दोस्तों ये जो सर्कल है, इस सर्कल को मुझे इस पॉइंट के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करना है, यानी कि इस सर्कल को मुझे इस पॉइंट के पैरेलल यहाँ पर चाहिए, तो हमें लेना है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। यहाँ पे एक क्लिक करना है, इसके बाद सर्कल के ऊपर क्लिक और इस पॉइंट के ऊपर एक क्लिक, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर एक क्लिक करो चलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो सर्कल है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने एक यहाँ पे पॉइंट बनाया था, इस पॉइंट को मुझे यहाँ पर चाहिए, यानी इस पॉइंट के वर्टिकल, तो मुझे ये लाइन हमने फिक्स तो कर दिया है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है वर्टिकल अलाइनमेंट में। इसके बाद इस पॉइंट को हमें सिलेक्ट करना है और इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर एक क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पॉइंट था वो यहाँ पर आ गया। मान लो कि इस पॉइंट के पैरेलल मुझे ये सर्कल यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर, तो इसके लिए हमें सिलेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। इसके बाद सर्कल के ऊपर एक क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है सर्कल को। इसके बाद मान लो कि मुझे इस पॉइंट के पैरेलल यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना है, अगर यहाँ पे चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्लिक करना है, अगर यहाँ पे चाहिए तो इस जगह पे क्लिक करना। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो सर्कल है वो यहाँ पर आ जाएगा, इसके हॉरिजॉन्टल में पैरेलल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो सर्कल था वो यहाँ पे इसके पैरेलल आ गया है। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट का उपयोग कर सकते हैं। अब हमें सीखना है जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड में मिड पॉइंट, यहाँ पर दिया हुआ है मिड पॉइंट। सबसे पहले तो हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं या फिर पॉली फिक्स कर देते हैं।
यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, इसके बाद सर्कल को क्लिक करता हूँ, यानी सर्कल जो है वो फुली फिक्स हो गया है। अब दोस्तों ये जो मिड पॉइंट कमांड है उससे क्या होगा, मान लो कि ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, सर्कल का सेंटर पॉइंट के पैरेलल मुझे यहाँ पर इस लाइन का मिड पॉइंट चाहिए, ये लाइन का मिड पॉइंट मुझे इसके पैरेलल चाहिए, तो मिड पॉइंट कमांड से हम कर सकते हैं। इसके ऊपर एक क्लिक करना है, इसके बाद लाइन के ऊपर एक क्लिक और सर्कल के ऊपर एक क्लिक, तो ये लाइन का मिड पॉइंट जो है वो सर्कल के सेंटर पॉइंट के पैरेलल आ जाएगा। जैसे हम दूसरी बार ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर एक क्लिक करते हैं और इस सर्कल के ऊपर एक क्लिक करते हैं, तो ये लाइन का जो मिड पॉइंट था वो सर्कल के सेंटर पॉइंट के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक मैं लाइन बनाता हूँ, जैसे मैं एक लाइन यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, कमांड लेते हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड, सर्कल तो फिक्स है ही, यहाँ मिड पॉइंट पे एक क्लिक करना है, इसके बाद लाइन के ऊपर एक क्लिक करना है और सर्कल के ऊपर एक क्लिक करना है, तो लाइन जो है वो छोटा हो गया और इसका जो मिड पॉइंट था वो इस सर्कल के सेंटर पॉइंट के पैरेलल आ गया। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट कमांड जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है कोलिनियर कमांड, कोलिनियर कमांड इससे क्या होता है, हम इसका उपयोग करते हैं, लाइन बना लेता हूँ मैं, एक लाइन यहाँ पे बना लेता हूँ, दूसरा लाइन यहाँ पर बना लेता हूँ और तीसरा लाइन में यहाँ पर बना लेता हूँ। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड, सबसे पहले तो किसी भी एक लाइन को मुझे फुली फिक्स कर देना है, फुली फिक्स इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये लाइन फुली फिक्स हो गया। इसके बाद है कोलिनियर कमांड, इसके ऊपर एक क्लिक करना है मुझे, इसके बाद इसके ऊपर एक क्लिक और इसके ऊपर एक क्लिक, तो इस लाइन के पैरेलल ये लाइन हो जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर एक क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर एक क्लिक करता हूँ, तो जो तीनों लाइन जो है वो एक ही लाइन में आ जाएगा, यानी कि लीनियर। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कोलिनियर कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक कमांड का उपयोग करते हैं हम, मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, दूसरा सर्कल में यहाँ पर बनाता हूँ, तीसरा सर्कल में यहाँ पर बनाता हूँ। कमांड लेते जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट, किसी भी एक सर्कल को मुझे फिक्स कर देना पहले, फुली फिक्स, इसके ऊपर एक क्लिक, यानी ये फुली फिक्स हो गया सर्कल। इसके बाद है कॉन्सेंट्रिक कमांड, यहाँ पर एक क्लिक करना है, फिर इस सर्कल के ऊपर एक क्लिक और इस सर्कल के ऊपर एक क्लिक, तो इस सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आ जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर एक क्लिक और इसके ऊपर एक क्लिक करता हूँ, वो जो सर्कल था वो भी इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ से क्या होगा, एक में लाइन यहाँ पर इतना बना रहा हूँ और दूसरा लाइन में बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड में जाके किसी भी एक लाइन को मुझे फिक्स कर देना है, इसको फिक्स कर देता हूँ। इसके बाद है इक्वल लेंथ, यहाँ पे एक क्लिक, फिर इस लाइन के ऊपर एक क्लिक करता हूँ और इस लाइन पे क्लिक करता हूँ, तो इसका जितना लेंथ था उतना ही लेंथ इस लाइन का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर है इक्वल रेडियस, यानी मैं दो आर्क बनाता हूँ, सबसे पहले तो आर्क कमांड, यहाँ पे क्लिक, दूसरा क्लिक यहाँ पर, यहाँ पर मैं आर्क जो बना रहा हूँ इसका रेडियस मैं देता हूँ 500 का। ठीक है दोस्तों, और दूसरा एक मैं आर्क बनाता हूँ यहाँ पर 400 का रेडियस वाला, ठीक है, इस जगह पे। ठीक है दोस्तों, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड यहाँ पर है इक्वल रेडियस, यानी दोनों का रेडियस अलग अलग अभी हमने दिया है, इसका 500 का है, इसका 400 का रेडियस है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो फुली फिक्स कर देते हैं किसी भी एक को, इसके बाद कमांड लेते हैं इक्वल रेडियस, इसके ऊपर एक क्लिक और इसके ऊपर एक क्लिक, तो दोनों का जो रेडियस है वो सेम हो जाएगा। हम यहाँ से रेडियल डायमेंशन से चेक कर लेते हैं, इसके ऊपर एक क्लिक, 500 का रेडियस है, इसके ऊपर एक क्लिक करते हैं, इसका भी रेडियस हो गया 500 का, ये हमने 400 का रेडियस वाला बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम कोलिनियर, कॉन्सेंट्रिक, इक्वल लेंथ और इक्वल रेडियस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें सीखना ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड में, यहाँ पर है कॉन्स्टेंट एंगल, कॉन्स्टेंट एंगल पे मैं क्लिक करता हूँ, इसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कमांड में कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये लाइन और ये लाइन, इस दोनों में क्या फर्क है,
मैं यहाँ पर इस लाइन के एंड पॉइंट पे क्लिक दबा के रखता हूँ, लाइन का एंगल जो है वो चेंज होता है, देखो, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट एंगल से हमने लाइन पे क्लिक कर दिया है, कांस्टेंट एंगल लेके, कमांड लेके हमने लाइन पे क्लिक कर दिया है, तो इस लाइन का जो एंगल है वो चेंज नहीं होगा। मैं इस एंड पॉइंट पे क्लिक दबा के माउस को ऐसे कर्सर को हिलाता हूँ तो एंगल जो है वो वही का वही रहता है, लाइन का एंगल चेंज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, लाइन मूव हो रहा है लेकिन इसका एंगल जो है वो चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे क्लिक दबा के ऐसे जो लाइन का एंगल जो चेंज हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, लाइन का एंगल जो है वो चेंज नहीं होगा, लाइन सिर्फ और सिर्फ मूव होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड में ये था कॉन्स्टेंट एंगल। ऐसी ही तरह बहुत सारे ऑप्शन और भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको सिर्फ राइट कर देना है, राइट कर देंगे आप तो यहाँ से दूसरा जो कमांड है इसके अलावा वो सभी यहाँ डिस्प्ले में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट कमांड। दोस्तों कमांड को समझने में अगर कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।